हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने कान्हा जी के कपड़े धोए। तो आज मैंने इतने सारे कपड़े, ऊन के कपड़े जो थे मेरे पास, जितने भी थे सब मैंने धो दिए कान्हा जी के। तो इनको मैं तय लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने टावल को तय लगाऊंगी। कान्हा जी के दो टावल हैं, ये मैंने तय लगा दिए। दो टावल कान्हा जी के हैं। और ये कान्हा जी की ड्रेस आज मैंने सारे धो दिए। इसके साथ ये है। ये देखिए, एक ड्रेस ये कान्हा जी की, आज मैंने कान्हा जी के सारे कपड़े धोए। इसकी टोपी है, इसकी टोपी इसके साथ ही है। तो ये मैंने कान्हा जी के कपड़े तय लगा रही हूँ। एक ड्रेस ये कान्हा जी की, ये भी मैंने धोई है। देखिए, पूरी फूल बना रखी है मैंने। और इसके साथ पोंचू बनाया हुआ है। ये बाजू से यहाँ मैंने इस तरह कर रखे हैं, बंद करे हुए हैं। और ये गले की मैंने कुमर लगा रखे हैं। और इसकी ये टोपी बनाई हुई है मैंने। तो ये कान्हा जी की ड्रेस में तय लगा दूँ। एक मैंने कान्हा जी की ये ड्रेस बनाई हुई है, ये इस तरीके से पहनी जाती है। चोली भी इसी के साथ है। और इसकी टोपी ये बनाई हुई है मैंने, कान्हा जी की ये टोपी बनाई हुई है। तो ये मैंने तय लगा के रख दिए। एक सूट मैंने ये बनाया हुआ, जंग सूट कान्हा जी का। तो इसको बटन इस तरीके से लगा लेंगे। ये देखिए, एक मैंने ये बना रखा है, एक मैंने कान्हा जी को बनाया हुआ है। ये देखो, एक मैंने बना रखा है, एक मैंने ये बनाया हुआ है। बहुत अच्छे लगते हैं कान्हा जी इसमें, बहुत सुंदर लगते हैं। तो मैं एक और बनाने जाऊंगी। मेरे पास ये ग्रीन और रेड है, ये बनाऊंगी मैं। इससे बनाऊंगी मैं एक सेम ऐसे सूट। बहुत अच्छा लगता है कान्हा जी के पहना हुआ। ये भी मैंने यहाँ रख दिया। इसकी भी टोपी है, ये देखिए, इसकी टोपी ये बना रही है। मैंने पूरा सेट बना रखा कान्हा जी का। और इसके साथ ही तो मैंने सॉक्स भी बनाई हुई है, ये देखिए। एक मेरे पास काली ऊन पड़ी हुई थी फर वाली, तो ये भी मैंने कान्हा जी की ड्रेस बना रखी। जिस दिन पहनाऊंगी उस दिन आपको दिखाऊंगी इसको। ये देखिए इस तरीके से। तो और ये मैंने कान्हा जी के लिए पोंचू बनाया हुआ है, ऊपर से पहनने के लिए, जब ज़्यादा ठंड होती है तब के लिए बना रखा है ये। और एक ये बनाया मैंने, ये देखिए, एक ये बनाया हुआ है मैंने। ये मैंने कान्हा जी का, ये फ्रॉक मैंने सिली हुई है। बाकी और भी सिली हुई है, तो वो अभी अंदर हैं। अभी मैंने आधे कपड़े धोए हैं, पूरे कपड़े नहीं धोए कान्हा जी के। और एक रेड कलर की टोपी है। तो दोस्तों, अभी इनको हम टोकरी में रख लेंगे। तो ये कान्हा जी की टोकरी है, तो इसमें हम कान्हा जी के कपड़े रख लेंगे। तो हम कान्हा जी के कपड़े टोकरी में रख लेंगे। तो ये कान्हा जी की टोकरी है, टोकरी के अंदर मैंने कपड़े रख लिए हैं। अब इसको हम बंद कर लेंगे टोकरी को। और ये कान्हा जी बैठे हुए हैं सामने। टोकरी को हम साइड में रख लेते हैं। आज मैंने कान्हा जी के बहुत सारे कपड़े धोए हैं, कई दिनों से धोए नहीं थे। रोज उतारती थी, दूसरा पहना देती थी। और ये भी मैंने कान्हा जी की ड्रेस बनाई हुई है। तो एक ड्रेस और बनाने जा रही हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी अभी। तो गाइस, राधे राधे, लड्डू गोपाल जी की जय हो।